सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, हमारी एक वेबसाइट है जिसका जो यहाँ पे जो देख रहे हैं www.lshometech.com, जिसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं, तो प्लीज आप एक बार हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करें। इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको होम डिजाइन से संबंधित भी आर्टिकल मिल जाएंगे, सभी प्रकार के आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, तो प्लीज एक बार विजिट जरूर करें। और आइए आज के इस डिजाइन की बात कर लेते हैं जो हमारा यहाँ पे फ्रंट आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक सर्वे डाला था जिसके अंदर हमने कुछ एक डिजाइन के ऊपर आपसे राय मांगी थी, आप किस साइज का डिजाइन ज्यादा रिकमेंडेशन में था, तो हमारा डिजाइन जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन में आया था वो 12x36 फीट का डिजाइन की डिमांड सबने 51% लोगों ने की थी। बाकी चार डिजाइन थी उनकी किसी की 8, किसी की 10% आई थी। तो 51% के अंदर जो 12x36 का डिजाइन था वो अब हमने डिजाइन किया है। उस डिजाइन के बारे में यहाँ पे मैंने 3 फ्लोर बनाए हैं, आप चाहें तो 2 फ्लोर रख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की और इसकी हाइट वगैरह की सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारा जो है 12x36 का डिजाइन है। दोस्तों देखिए, फ्रंट से अगर बात करें हमारा ये फ्रंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं उसकी हाइट और विड्थ जो है। फ्रंट से इसकी जो चौड़ाई है 12 फीट है और जो इसकी लंबाई है 36 फीट है। और दोस्तों इसके अंदर इसकी जो हाइट हमने जो ग्राउंड फ्लोर की हाइट रखी है छत की, वो 11 फीट के ऊपर रखी है। जो ऊपर के फ्लोर है उसकी छत की हाइट हमने 10 फीट पे रखी है। और जो दीवारें हैं वो चारों तरफ की हमने 9 इंच की रखी है। जो दीवारों की चौड़ाई है 9 इंच और अंदर की जो दीवारें हैं उनकी जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच पे रखी है। अगर आप कॉलम बेस बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका बजट भी बताऊंगा। तो आप देख लें, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने फ्रंट में यहाँ पे 6x4.5 फीट का एक टॉयलेट बाथरूम हमने यहाँ से अलग कर दिया है, बिल्कुल फ्रंट में रख दिया उसको। यहाँ से वेंटिलेशन के लिए एक जो है रोशनदान रख दिया है। ये हमारा मेन गेट होगा, मेन एंट्रेंस होगा। और उसके बाद यहाँ से हमने सीढ़ियाँ दे दी है, एल टाइप की सीढ़ियाँ। इसके नीचे आप पार्किंग वगैरह छोटे अगर आपके पास टू व्हीलर है वो पार्क कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे आप पोडियम वगैरह बना सकते हैं, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सीढ़ियों के साथ जो किचन है वो रखा है 8x6 फीट के अंदर, जिसकी चौड़ाई है 8 फीट और जो लंबाई इस साइज की जो है 8x6 के अंदर हमने जो किचन का साइज रखा है, ओपन है पूरा। यहाँ से देख ले वेंटिलेशन के लिए सुविधा दी है। और भी दिखाऊंगा वेंटिलेशन के लिए मैंने किचन में क्या रखा है। तो वो चलिए एक बार यहाँ से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एक डक्ट देख रहे हैं यहाँ से पीछे, ये हमने वेंटिलेशन के लिए रखा है, किचन के लिए भी। और जो हमारा पीछे का रूम है, ये रूम का साइज बता देता हूँ, 10.5x9 फीट के अंदर हमारा रूम है, बेडरूम है। यहाँ पे नीचे देख लें आप, उसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से देखिए ये जो जालीदार दरवाजा लगा रखा है, आप यहाँ से इसको खोल के सफाई भी कर सकते हैं और उसका वेंटिलेशन यहाँ से मिलेगा। ऊपर तक इसको हमने रखा है, 3री मंजिल तक, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन, देख लें। पीछे बेडरूम हो गया, उसके बाद हमारी किचन हो गई, और जो हमारी सीढ़ियाँ होगी उसके नीचे ओपन स्पेस होगा पार्किंग के लिए, छोटे टू व्हीलर के लिए, और टॉयलेट बाथरूम हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये है हमारा डिजाइन ग्राउंड फ्लोर का। और चलिए फर्स्ट फ्लोर पे दिखा देता हूँ मैं। जैसे ही दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, देखिए यहाँ पे देख लें आप फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए फ्रंट दिखा देता हूँ पहले आपको थोड़ा समय। यहाँ पे देखिए फ्रंट भी बिल्कुल देखिए आगे से तीनों जो फ्लोर है बिल्कुल सेम ही रहेगा। और बात कर लेते हैं इसके अंदर की, देखिए फ्रंट में भी जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर हमने जो नीचे का टॉयलेट था वो 4x4.5x6 का था, यहाँ पर 4x6 का रखा, उसमें आधा फीट हमने कम कर दिया है ऊपर का। और जबकि ऊपर ज़्यादा हमारा स्पेस बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे 3 फीट का बालकनी का स्पेस हमने ऊपर ले लिया है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर ज़्यादा स्पेस लिया है उसका जो इस्तेमाल हम अलग यहाँ पे देखिए सीढ़ियों से अंदर आने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ियों, जैसे हम ऊपर आते हैं यहाँ पे हमने आपका जो लिविंग एरिया आपके लिए ये सोफा वगैरह लगाया, लिविंग एरिया यूज कर सकते हैं। सीढ़ियों का डिजाइन स्टाइल सेम रहेगा ऊपर तक। उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारे नीचे किचन थी उसी के ऊपर हमने जो है एक स्टडी रूम बना दिया है। यहाँ पे आप अगर आपके बच्चे हैं तो बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी रूम है। उसके बाद फिर से बेडरूम सेम 10.5x9 फीट का बेडरूम है पीछे। और यहाँ पे देखिए जो ये है रूम और स्टडी रूम, यहाँ से भी हमने वेंटिलेशन के लिए एक जालीदार दरवाजा लगाया है, और यहाँ से भी हमने जालीदार दरवाजा लगाया है। और मैं साइड में दिखा दूँगा आपको थोड़ा सा, यहाँ पे हमने खुला रखा है। अगर यहाँ पे मकान नहीं बने तो खुला रख सकते हैं, अगर आप मकान साइड में बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दीवार बंद करके ऊपर से ये खुला रहेगा तो भी आपके पूरे घर में हवा का फ्लो बना रहेगा। तो देखिए ये हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, बिल्कुल सिंपल है।
और जो हमारा सेकंड फ्लोर दोस्तों वो भी मैं चलिए यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा नहीं रखा, बस पीछे एक बेडरूम रखा है 10.5 बाई 9 का, बिल्कुल जो पीछे के बेडरूम होती है ना सेम साइज के हैं, वेंटिलेशन की सारी फैसिलिटी सेम है। और जो ऊपर हमारा सेकंड फ्लोर है ये, यहाँ पे हमने फिर लिविंग एरिया बनाया है। ऊपर टॉप फ्लोर पे जाने के लिए आप यहाँ से सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी और मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक बालकनी की ऑप्शन हमने यहाँ पे रखी है, आप यहाँ से बालकनी यूज कर सकते हैं। लगभग 2.5 से 3 फीट तक का जो बालकनी का एरिया है वो यूज कर सकते हैं जो सेकंड फ्लोर के ऊपर। और दोस्तों ये है हमारा डिजाइन, देख लीजिए आप। तो बिल्कुल आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने इस डिजाइन को बनाया है, काफी छोटे स्पेस में है, काफी अच्छा डिजाइन है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो आप यहाँ से इसको देखिए, हर बार बोलता हूँ कि आपके एरिया के ऊपर है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा मटेरियल यूज करते हैं। फिर भी अगर एक एवरेज मटेरियल इसके अंदर मीडियम साइज मटेरियल यूज करते हैं तो इसको आप 9 से 12 लाख तक अच्छे तरह से इसको फुल डेकोरेटिव बना सकते हैं, अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा। अगर आपको हमारे डिजाइन पसंद आते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और हमारी वेबसाइट पर एक बार जरूर जाके देखें दोस्तों।